Hello, good morning and welcome in this period. In the last period we had done about the sources of history in the last lesson, and that complete lesson is divided into two parts, that written sources and material sources, and I'll explain you about the each and every branches about the written sources and material sources like periodicals, coins, codes, etc. 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 In this chapter, we are going to learn about the India event after 1960. मतलब 1960 के बाद में इंडिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम में या उनके कल्चरल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इन एवरी एस्पेक्ट व्हाट आर द चेंजेस वेर इन द इंडियन सिस्टम आफ्टर 1960, दिस विल ऑल दिस पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. बट बिफोर दैट वी हैव टू नो द प्राइम इंफॉर्मेशन which was happened exactly after 1947. मतलब हमको 1947 के बाद और 1960 के पहले के बीच में के जो कुछ चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी होगी. मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ जिसके वजह से 1960 के बाद की इवेंट्स जो बनी है उसके बारे में हमको जानना है. तो कुछ चीज़ें जो थी मैंने यहाँ पे लिखी है, ये चीज़ें एग्जैक्टली आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमको मिली है. हमको पता है कि 1947 के पहले वी वेर अंडर द रूल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो आफ्टर 1947 वी गॉट द फ्रीडम ऑन 5th अगस्त 1947. तो 1947 के बाद एग्जैक्टली जो इंडिपेंडेंस के बाद जो कुछ घटनाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानकारी देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन 1950. एज वी नो दैट वी वेर इन द रूल ओवर द ब्रिटिश वेयर रूल ओवर इंडिया. सो हमारे ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था तो हमको वो चला रहे थे, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी, उनके हिसाब से हमारे सारे कारोबार चलते थे. बट जब हमको फ्रीडम मिली तो हमको हमारा देश चलाना है, उसके लिए कुछ नियम कायदे लगेंगे, कुछ एक सिस्टम लगेगा. उस सिस्टम को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, एक वे ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टू रन अवर पॉलिटिकल सिस्टम. तो उसके लिए 1946 में 9th of December 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और तब से कॉन्स्टिट्यूशन का काम चालू हुआ था. एंड 26th of November 1949 में ये कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क खत्म हुआ, जिसके लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त भी लगा था. और इस तरीके से 26th of November 1949 में जब ये वर्क कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुई, तो उसके हिसाब से 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ. देन वी विल स्टार्ट अवर वर्किंग बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज द मेजर इवेंट हैपन एग्जैक्टली आफ्टर द इंडिपेंडेंस. ये एक बहुत बड़ी घटना जिसको हम बोल सकते हैं, चेंज बोल सकते हैं, जो एग्जैक्टली हमारे 1947 हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लोगों के अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से चलेगा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मेजर यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. इसके अलावा हम अधूरे हैं, इसके ये हमारे जीवन की शैली को डिसाइड करता है. उसके बाद है स्टेट्स बेस्ड ऑन द लैंग्वेज. दिस इज द अनदर चेंजेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस. देखिए बिफोर 1947 हमारा जो देश था वो टोटली डिवाइडेड था. छोटे बड़े 600 से ज़्यादा संस्थान थे, मोर देन 600 छोटे बड़े राजाओं के राज हमारे देश में चला करते. तो इंडिया बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका था. ब्रिटिशों ने हमें आज़ादी तो दे दी थी, मगर ये आज़ादी अधूरी थी. मतलब देश पूरा एक नहीं था, देश कई हिस्सों में बटा हुआ था. इन सारे टुकड़ों को इकट्ठा लाने का काम जो किया था हमारे ग्रेट लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया. उन्होंने इस छोटे सारे भी संस्थानों को इकट्ठा ला कर एक पूरा देश बनाने की कोशिश की थी. उस समय में जैसे कि जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, देन जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारे संस्थान उस समय हुआ करते थे. ऐसे 600 से भी ज़्यादा संस्थान थे. इन सारे संस्थानों को इकट्ठा लाने का काम हम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और उसके बाद हमारा कंप्लीट हिंदुस्तान एक इंडिया बना है. दैट इज द अंदर थिंग. तीसरी बात है पीपल्स आर सॉवरेन. हमें ये बात पता होनी चाहिए कि 1947 के पहले हम कुछ नहीं थे. मतलब हमारे पास वो अधिकार नहीं थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हमारे ऊपर था, तो हम हमारे हिसाब से कुछ डिसीजन नहीं ले सकते थे. बट एग्जैक्टली जैसे ही हमको फ्रीडम मिली, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वो खुद सोच सकते थे. इंडिया का अच्छा बुरा भला सोचने की उनको अधिकार था. उनके ऊपर किसी भी और कंट्री का प्रेशर आई नहीं था, जिसका मीनिंग सॉवरेन होता है. सॉवरेन का मीनिंग होता है सार्वभौम.
मतलब किसी और कंट्री का हम पर किसी भी तरीके का डायरेक्ट इंडायरेक्ट कोई प्रेशर नहीं है। अल्टीमेटली जो कुछ भी डिसीजन लेना है हमारे गवर्नमेंट को हम ले सकते हैं, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, इंटरनल डिसीजन हो या एक्सटर्नल डिसीजन हो, फिर वो किसी पॉलिसी के बारे में, डिफेंस पॉलिसी हो, क्लाइमेट हो, अथवा एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एवरी एस्पेक्ट के बारे में कोई भी डिसीजन कर लेना है तो हमारी कंट्री उसके लिए फ्री है। दैट इज अ मेजर चेंज आफ्टर द इंडिपेंडेंस, दैट इज सार्वभौम। हमारे जो प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है उसके पहले वर्ड का ही नहीं सार्वभौम या सार्वभौम वर्ड का उल्लेख किया गया है, जिसका मीनिंग मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा के बताने की कोशिश की है। देन आफ्टर प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन इंडिपेंडेंस के बाद हुई वाली एक इवेंट हम यहाँ पे बोल सकते हैं। प्लानिंग कमीशन का काम होता है अगले 5 सालों में, हमें पैसा पता है कि इंडिया में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, और इलेक्शन जब होते हैं तो उस इलेक्शन के बाद जो कोई भी गवर्नमेंट रूल पे आएगी या चूज करेगी तो उनको अगले 5 साल के लिए जनता के लिए जो कुछ करना होता है उसका एक प्लानिंग बनते हैं, और वो प्लानिंग करने का काम प्लानिंग कमीशन की तरफ होता है। दैट इस प्लानिंग कमीशन की भी जो स्थापना है वो इंडिपेंडेंस की बात की है। इस प्लानिंग कमीशन में सारी बातें वो सोचते हैं कि जैसे उस समय हमारे बहुत सारी जो जनता थी वो इलिटरेट थी, तो उनके बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या चीज़ें लगती है, इंडस्ट्रीज अगर हम लोग लेके आते हैं तो इंडस्ट्रीज से लोगों को काम मिलेगा, इस तरीके के सारे जो प्लानिंग होती थी वो प्लानिंग कमीशन करते थे। सो दीज आर द सम चेंजेस आफ्टर एग्जैक्टली आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट हैपन इन अवर इंडियन हिस्ट्री। सो यहाँ पर मैंने 1960 के पहले कुछ मेजर चेंजेस जो इवेंट्स हुए थे उसके बारे में आपको डिस्कस किया है, और आफ्टर 1960 के बाद जो कुछ भी इवेंट हुई है वो हम लोग देखेंगे बट इन द नेक्स्ट।